जो सिर्फ मेरा था सिर्फ मेरा मैंने उसे क्यों खो दिया हाँ वो मैं, मैं क्यों मेरे लिए बाकी ना रहा फैमिली वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो फिलहाल अभी 11 बज रहे हैं और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करूँ एंड सुबह काफ़ी सारे इश्यूज़ आ गए थे ब्लॉग अपलोड करने में बट फिर भी ब्लॉग टाइम पर आ गया था बिकॉज सुबह मैं जल्दी उठ गया था ना पढ़ने के लिए उठा था लेकिन ब्लॉगे ब्लॉग अपलोड करने में रह गया दरअसल हुआ ये रात को मेरा डाटा जो था वो थोड़ा बहुत क्र... क्लैश हो गया था थोड़ा बीच का डाटा काफ़ी ज़्यादा उड़ गया था तो व्लॉग कम से कम टेन ट्वेंटी मिनट्स का था बट वो थोड़ा छोटा ही हो गया तो मैंने बेकार पार्ट्स डिलीट करने पड़े जो क्लैश हो गए थे तो व्लॉग बर्बाद हो गया था तो बाकी जैसा जो है फिलहाल आज के दिन को हम स्टार्ट करते हैं और आज के ब्लॉग को भी हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल आज का दिन काफ़ी पूरा स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एंड गाइज हमारे फोर सब्जेक्ट होते हैं ना हिस्ट्री सिविक्स इकोनॉमिक्स और जोग्राफी तो एस में तो चार सब्जेक्ट है अभी फिलहाल टेंथ में तो मतलब मेरे को दो तीन तो ठीक ठाक याद हो गए मतलब मैं कर लूँगा करके बट हिस्ट्री मैंने अभी छुआ भी नहीं है तो जस्ट थोड़ा बहुत मैंने एक दो एक दो महीने पहले से मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा था हिस्ट्री को तो थोड़ी सी चीज़ें मेरे को आती हैं बट गाइस काफ़ी ज़्यादा टेंशन है काफ़ी ज़्यादा टेंशन ही टेंशन है पता नहीं क्या होगा तो फिलहाल आज अभी पढ़ाई कर रहा था मैं ग्यारह बज के हैं तो ऑलमोस्ट बारह बजे तक मैं तैयार हो ही जाता हूँ तो बारह बजे फिर निकल लेंगे स्कूल को देखते कैसा जाएगा टेस्ट घर आके आपको मैं सब रिपोर्ट दे देता हूँ तो फिलहाल अभी पढ़ाई करते हैं तो फैमिली जैसा कि मैंने आप सब लोग को बताया कि मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े देख लिए हैं बट हिस्ट्री नहीं देखा तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर एंड हेयर आर इकोनॉमिक्स जो कि मैंने लास्ट चैप्टर नहीं किया है तो इसको भी देख लेंगे टाइम एलेवन होने वाला है मतलब सात मिनट है इसका कोई वो नहीं है मैंने दरअसल टाइम नहीं देखा था ब्लॉग स्टार्ट करते समय तो बस अभी फ़िलहाल हिस्ट्री देखेंगे इकोनॉमिक्स देखेंगे एंड लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है ना तो बस थोड़ा दिक्कत आ रही थी तो मेरी परछाई ऐसी दिखती है काफ़ी इश्यूज़ हैं नाल में रहने वालों के लिए तो आज मौसम तो काफ़ी तगड़ा हो रहा है मस्त मौसम है बस पेपर भी पे अच्छा जाए तो दिन भी मस्त हो जाएगा आज का हमारा जो सुबह की बोरी है तो यह वो भी हट जाएगी एंड गाइस फाइनली स्टूडियो आ रहा हूँ मैं ओ भाई यहाँ भी ऐसे पड़ा हुआ है सामान अच्छा रात को चूहे ने नहीं खाई किताबें मेरी बस अब थोड़ी देर में तैयार हूँ फिलहाल थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ ऐसे आ गया था मैं स्टूडियो तक कुछ देखने के लिए तो फैमिली फ़िलहाल अभी बारह बजने वाला है ही एलेवन फोटी फोर टाइम और अभी फिलहाल मैं सोच रहा तैयार हो है जाते हैं एंड हेड है इज़ आ सेटअप तो निकलते हैं तैयार होते हैं सीधे तो फैमिली फ़िलहाल अभी टाइम हो चुका है स्कूल को जाने का और अभी मतलब कि बारह बज रहे हैं बारह बजे तो आज मैं जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ बिकॉज मैंने पढ़ाई वगैरह थोड़ी बहुत कर ही लिया है हिस्ट्री की सेक्शन थोड़ा बहुत कम्प्लीट कर लिया है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पास तो हो जाऊँगा एंड थोड़े अच्छे मार्क्स भी आई ठीक ठाक आई जाएंगे मतलब कुछ तो ज़्यादा शोर नहीं हुआ है बट फिलहाल अभी निकलना पड़ेगा बिकॉज अभी मेरी पैने वगैरह मैं स्कूल में भुलाया था शायद दो तीन ही पेन हैं मेरे पास एंड आज मैं बैग वगैरह नहीं ले जा रहा हूँ खाली छाड़ होता है और फिलहाल अभी निकलते हैं और आपसे घर आने के बाद मिलेंगे एंड मेरे फोन में बिल्कुल बैटरी नहीं है इसके लिए मैं अभी व्लॉग को मतलब जा रहा हूँ अभी सीधे स्कूल को और ज्यादा नहीं तो मैं ब्लॉक करता थोड़ी देर और बड़े फिलहाल निकलता हूँ आपसे घर के बाद मिलता हूँ बाय बाय तो फैमिली मैं पहुंच गया था घर मतलब चार बजे, चार के, के आस पास में एंड कसम से कह रहा पंद्रह मिनट बचे हुए थे ना और एक आंसर बचा हुआ था वो भी नहीं करने दिया तो काफी गलत था यार गाई ये तो तो जो भी था फिलहाल फैमिली आज के ब्लॉक को मैं फिर से रिज्यूम करता हूँ और अभी मेरे को टाइम हो गया है छह बज गए छः बजे मैं आज का व्लॉग फिर से रिज्यूम कर आज कल मेरा इंग्लिश का है और आज का ठीक ठाक गया है मतलब पास हो जाऊंगा इतना गया है <laughs> बाकी क्या चीज़ ज़्यादा अच्छा ठीक ठाक गया मतलब ज़्यादा गंदा नहीं गया और ना ज़्यादा अच्छा गया है बट ठीक गया है और फैमिली फ़िलहाल अभी इंग्लिश का स्टार्ट करता हूँ मैं तो जो भी है फिलहाल अभी चलते हैं और पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं बिकॉज़ कल पास होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड कर लेगा इस इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में लैंग्वेज भी आएगी लिटरेचर भी आएगी तो लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट ईजी टाइप ऑफ मतलब ईजी तो कुछ होता नहीं है बिकॉज टेंथ में हो आप तो कुछ भी ईजी नहीं आएगा एंड ये हाफ एलीस के पेपर जो हैं ये साबित करते हैं तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं पढ़ाई तो फैमिली अभी सिक्स फिफ्टी ऑलमोस्ट हो गया टाइम एंड डॉली में पढ़ाई कर रही है डॉली कल किस कहते रहें एग्ज़ैम तो कल डॉली का हिंदी का है मेरा है इंग्लिश का इंग्लिश में दिखाता हूँ आपको यह है मेरी बुक्स तो ये दो बुक्स हैं एंड दो नोट बुक्स तो बस अब थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे पढ़ाई वगैरह एंड डॉली का है कल हिंदी का तो डॉली तो खैर पढ़ने में अच्छी है हमारी बचपन से फर्स्ट आती है डॉली अब क्या कर सकते हैं मैं वो इतनी अच्छी हाँ। तो फैमिली फ़िलहाल अभी डिनर टाइम हो गया है मतलब दस बजने आ लें पाँच मिनट दस बजने में और डिनर कर रहे हैं हम लोग बाकी बुक्स वगैरह बंद कर लेते हैं और पहले डिनर वगैरह कर लेते हैं फिर आपसे मिलेंगे रास्ते में गम मिल गया था लके गले में रो दिया <laughs> जो सिर्फ़ मेरा था सिर्फ मेरा थूर। थूर। मैंने उसे क्यों खो दिया के हाँ जिन्हें मैं चूमता था बेवजह बाकी ना रहा हो फैमिली में आया हुआ हूँ स्टूडियो में बिकॉज देर आर सो मैनी रीजन्स बिहेंड दिस एंड गाइज वहाँ मेरे को कोई गाना नहीं गाने दे रहा था दरअसल ऐसा होता था ना आज मूड थोड़ा गाना गाने का हो गया तो मैंने सोचा गाना वगैरह गा लेते हैं एंड फैमिली फिलहाल मेरे हाथ में मेरा माइक एंड ट्राई पढ़ू वहीं छोड़ आया हूँ भूल गया हूँ मतलब मतलब मेरा दिमाग ना आज कसम से ख़राब हो गया और कल तो खैर इंग्लिश का एग्जाम तो मैं निकाल ही लूँगा बाकी अभी जाके पढ़ाई वगैरह करते हैं बाकी कल का दिन भी है ही एंड फैमिली पता नहीं क्या होगा मैं फिर फिर भी मैं मर मैं भी तुमको तुमको चाहत मर जाऊंगा चाहूं तो फैमिली में सच में यहाँ इसलिए आया था बिकॉज मेरे को था यहाँ ताला एंड लाइट वगैरह बंद करते हैं और फिर लाल निकलते हैं एंड गाइस ये स्टूडियो ना पत, कसम से कह रहा हूँ बहुत चेंज हो गया है मैंने अपनी मतलब थर्ड वीडियो फोर्थ वीडियो में दिखाया था स्टूडियो तो आपको हालत दिखी गई थी उस वीडियो में अगर नहीं देखिए तो आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे जाके स्क्रॉल करते रहना करते रहना मिल जाएगी तो पहले का स्टूडियो और अब का स्टूडियो खतरनाक चेंज हो गया गाइज़ और सब मैंने खुद किया है तो फिलहाल ताला वगैरह निकाल लगाता हूँ एंड निकलते हैं यहाँ से एंड गाइज ये होता है एग्जाम का प्रेशर ये देख रहे हो तो फैमिली यहाँ आने के बाद फिर से हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है एंड टाइम हो रहा है अपना एक मिनट देख के बता रहा हूँ टाइम ग्यारह बज गए हैं और अभी फिलहाल फिर से पढ़ाई रिज्यूम हो गई है अब डॉली पढ़ाई करिए मैं भी करता हूँ थोड़ी बहुत और फिर एडिटिंग वगैरह कर लेंगे तो फैमिली फ़िलहाल अभी रात के बज चुके हैं बारह एंड फैमिली मैं सच्ची बता रहा हूँ डॉली भी सो गई है मम्मी भी सो गई है दिखाऊँ ये देखो तो डॉली सो गई है फैमिली और मम्मी भी सो गई है तो आप लोग को अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का हमारा आज का कब्लग अच्छा लगा होगा फिलहाल एंड करना चाहूँगा मैं ब्लॉग को बिकॉज एडिटिंग वगैरह भी कम्प्लीट करनी है एंड थोड़ी सी मैं कर चुका हूँ बाकी थोड़ी बहुत और करनी है एंड रात हो गई है बेड में बैठा हुआ हूँ मैं तो बस फिलहाल आज के ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा आज के ब्लॉग पसंद आएगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना चैनल में सब्सक्राइब भी कर देना तो फिलहाल मिलते हैं आप कल अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय 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 फैमिली